आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मुलाकात में मिस्टर नवनीत गैरोला जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए अंजलि जी। मैं आप सभी दर्शकों को बताऊं कि जिस तरीके से हम आपको लगातार खास मुलाकात एक नए नए चेहरे से हम हमेशा करा रहे हैं, तो आज जो हमारे बीच में हैं, तो मैं इनकी तारीफ़ अपने मुंह से क्या करूं, क्योंकि ये मल्टीपल हैं। तो हम आज इन्हीं के मुखारबिन जानते हैं कि सर का जो इनका एक अपना पेशेंस है कि किस किस चीज़ों में रुझाव है इनका। सर, मैं चाहूँगी सभी दर्शकों को आप बताएँ कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं आप। वर्तमान में मैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में रेडियो जर्नलिज्म पढ़ाता हूं, और साथ में जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का, उसमें एज अ कंटेंट एडिटर मैं काम कर रहा हूं रेडियो ज़िंदगी में। और मुझे रंगमंच का शौक़ है और मैं सिने आर्टिस्ट हूं, थोड़ी बहुत सिनेमा में काम करने का मुझे मौका मिला है। मैं थोड़ा पर्यावरण के प्रति सजग रहता हूं, तो एक थोड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूं, थोड़ा पर्यावरण के प्रति काम करता हूं, इकोब्रिक्स बनाता हूं, और बच्चों से मिलता हूं और बातचीत करता हूं। सर, थोड़ा बहुत तो नहीं कहेंगे, बिकॉज आप अभी एक मूवी में आप अभी देखे गए हैं कश्मीरी फाइल्स में, तो वहां पर सर क्या रोल रहा है, कैसे कैसे रहा है उसके बारे में। जी हाँ, कश्मीर फाइल्स में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि एक ऐसी फिल्म जो अब इतनी पॉपुलर हो चुकी है और इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं आंदोलन लेके आ चुकी है हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, उसमें मुझे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला। और ये एयरफोर्स के एक अधिकारी थे, और जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, और 90 के दौरान में जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, उस दौरान जब 90s में जो घटना हुई थी वहाँ पर, जो 4 एयरफोर्स के अधिकारी मारे गए थे आतंकवादियों के द्वारा, उसमें से एक थे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी, जो शहीद हुए थे, और उनकी वो महत्वपूर्ण भूमिका मैंने इस फिल्म में निभाई है। सर, इस मूवी से अदर भी आपका और अदर मूवीज़ में भी आपका रहा है एक्टिंग का? प्रभु की कृपा रही है कि मुझे काफ़ी सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। बधाई दो हर्षवर्धन कुलकर्णी जी ने, जो अभी एक फिल्म बनाई है, काफ़ी वो पसंद की जा रही है, उसमें भी मुझे एक महत्वपूर्ण छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला। इससे पहले तिग्मांशु धूलिया जी की पान सिंह तोमर राग देश 11 में मैंने काम किया है। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी उमंग कुमार जी ने जो बनाई थी उसमें काम करने का मौका मिला। शेखर झा जी ने एक फिल्म बनाई थी लिटिल बेबी, उसमें मैंने काम किया है। लाइफ फ्लोज ऑन एक अंग्रेज़ी फिल्म थी, उसमें काम किया। इसके अलावा कुछ जो DBCs हैं पार्ले जी के लिए, वीवो के लिए, IFL होम लोन्स के लिए, माल लक्ष्मी बिल्डवेल के लिए, PayTM के लिए, इनमें मैंने काम किया है। सर, आपने इतना सारा मल्टीपल, आपके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़, आप हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, तो मतलब आपको ये इंस्पिरेशन मिला कहाँ से? और आप जिस तरीके से आप थिएटर से आपने शुरुआत जो की है 96 से या 95 से जैसे आपने की है, तो आपको ये कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि आपको इससे जाना है? देखिए, मोटिवेशन तो मुझे अपने पिताजी से मिली। मेरे पिताजी श्री प्रसाद गैरोला जी भी जाने माने रंगकर्मी उत्तराखंड के रहे हैं, और अब तो खैर वृद्ध हो गए हैं तो रंगकर्म नहीं करते हैं, लेकिन जब वो रंगमंच किया करते थे, रिहर्सल्स में जाया करते थे, तो मैं उनके साथ जाया करता था। तो बचपन से ही मुझे वो शौक रहा, वो डिसिप्लिन मैंने देखा। वातायन यहाँ की एक बहुत बड़ी संस्था है, नाट्य संस्था, उसका मैं सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, और पिताजी भी उसी ग्रुप में काम किया करते थे। उसके अलावा मैंने बहुत सारे और ग्रुप में, स्पंदन एक ग्रुप है मेरे मित्र की, उसमें मैंने काम किया। तो रंगमंच तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, और 96 में यहाँ पहली बार मैं जब मंच पे देहरादून के रंगमंच में मैं चढ़ा, लेकिन उससे पहले स्कूल कॉलेजेस में मैं रंगमंच करता था, और उससे पहले अपने पापा के साथ बहुत सारे नाटक मैंने यहाँ के थिएटर ग्रुप्स के देखे हैं। तो वो जिसे कहते हैं कि लेगेसी मेरे मुझे पिताजी से हासिल हुई है, और मैं बचपन से रंगमंच देखता आ रहा हूँ, और वही शौक मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। सर, इस फिल्म की अगर हम बात करते हैं, तो कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जो कि लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं और मतलब अलग अलग उसमें जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कहाँ पर कैसा कुछ फाइट करने को देखने को मिला आपको अपनी लाइफ में? जी हाँ बिल्कुल, एक्टिंग की फील्ड में भी रहता है, लेकिन जिसे कहते हैं कि कमिटमेंट और शिद्दत के साथ यदि आप काम करते हैं तो, और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहते हैं तो वो चीज़ें तमाम रहती हैं, और जितना आपकी किस्मत में होता है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमारी किस्मत में ये रोल था नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किस्मत के साथ साथ आपकी जो कमिटमेंट है, जो शिद्दत है, वो बहुत मायने रखती है। चाहे कितना ही बड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, तो उसमें आपके लिए रास्ते ज़रूर खुलते हैं। और आज के परिवेश की अगर हम बात करें, जहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा एक माध्यम बन करके आया है, तो अभी तो कंपटीशन भी बड़ा है और साथ में आयाम भी बहुत खुले हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है और ईमानदारी के साथ यदि आप काम करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, हर दिन एज एन एक्टर ग्रो करना चाहते हैं, एज अ कलाकार ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर
कोई आपके लिए कमी नहीं है काम की, बस प्रोवाइडेड कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ शिद्दत के साथ काम करना होगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि लाइफ में अगर हमारा मोटिवेशन हो और अगर हमारी ईमानदारी हो तो जीवन में कोई भी कार्य हो हम उसको वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सर, मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को छोटा सा आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है उसको आप शेयर करें कि कभी आप लाइफ में चाह रहे हो, आपका मंजिल आपके सामने है और आप फाइट कर रहे हो कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, पर कभी ऐसा हुआ कि लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हो या वहाँ पर आपको लगता है कि यार शायद मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, आप वहाँ पर एकदम से फाइट कर गए और आप वहाँ तक उसको अचीवमेंट कर गए हो? क्योंकि सर, इस एग्जांपल से शायद किसी की ज़िंदगी में कुछ मोटिवेशन मिल सके, कुछ ऐसा इंसिडेंट। देखिए, ये तो होता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो बहुत सारा एक जो समाज के कई सारे लोग हैं वो आपसे इफ एंड बट्स करते हैं कि अरे ये कर रहे हो तो ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये कॉम्पिटिशन की तैयारी की, इसकी तरह आपने तैयारी की तो वो वाला कॉम्पिटिशन क्यों नहीं तैयार किया, इसके लिए आप फेल हो गए तो आपने वो क्यों नहीं ट्राई किया, हम तब से पहले ही कह रहे थे इसके लिए करो। अब जैसे मैं कॉर्पोरेट हाउस में भी काम करता था तो पहले लोग मुझसे कहते थे यार तुम कॉर्पोरेट में काम करते हो, लेकिन मैंने कभी भी थिएटर को नहीं छोड़ा, तो लोग मुझसे कहते थे कि यार तुम कॉर्पोरेट हाउस में भी काम करते हो थिएटर भी करते हो तो कैसे तालमेल दोनों में बिठाते हो। और मैंने कहा देखो ऐसा है कि मैं दिन भर 8 से 10 घंटे अगर ऑफिस में काम करता हूँ, उसके बाद अगर मैं रंगमंच करता हूँ, जब मैं सिनेमा नहीं करता था, शुरुआत मेरी रंगमंच से हुई थी, तो मैं घर में भी मुझे लोग कहते थे कि यार तुम रोबोट हो, तुम मशीन हो, क्योंकि मैं आता था ऑफिस से, आता था सुबह 7 बजे घर से निकला या 8 बजे घर से निकला और रात को 6 बजे घर से आया, और उसके बाद मैं एक कप चाय पिया, मैंने जूते उतारे, चेंज किया, चप्पलें पहनी और रिहर्सल में चला गया, और उसके बाद वहाँ पर 2-2.5 घंटे की रिहर्सल की, रात को 10 बजे घर आया। तो उसके बाद वो सुबह से लेकर शाम तक का तो लोग मुझसे कहते थे कि यार तुम थकते नहीं हो, दिन भर ऑफिस का काम करते। मैं कहता कि ये जो आखिरी के जो 2 घंटे हैं जो मेरा पैशन है वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है। तो मैं सभी से ये चाहता हूँ कि अगर अभी आप कोई अगर कोई काम करते हैं, तमाम अगर मुश्किलें आपके पास आती भी हैं तो जिस काम को आप प्यार करते हैं उस काम को बिल्कुल छोड़िए नहीं, और उस काम के लिए समय निकालना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप बहाना नहीं ले सकते कि अब मैं तो थक जाता हूँ, मुझे काम करने का मौका नहीं लगता, अपने पैशन के लिए मैं समय नहीं निकाल पाता, ये सब एक्सक्यूज़ मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। भले ही आप रात को 1 घंटा निकालें, 2 घंटा निकालें, तो अगर आप उस काम को करते रहेंगे और जब एक बार जब आप अपने उस पैशन को पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं और फिर जो आप रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं फिर आप उसको लेट गो कर सकते हैं कि ठीक है अब मैं पैशन मेरा बढ़ने लगा है, अब इस काम को मैं किनारे करने जा रहा हूँ, तो ये शिद्दत आपको रखनी पड़ेगी, ईमानदारी अपने काम के प्रति रखनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को बताएं कि जैसे आने वाला समय है और आपकी कुछ अदर प्लानिंग होंगी कोई मूवीज़ का या किसी कहीं पर कोई वर्किंग का। काम मिलता रहता है, जैसे काम मैं करता रहता हूँ, अभी नेटफ्लिक्स पर मेरी एक वेब सीरीज़ में एक मेरा रोल मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में जब नेटफ्लिक्स आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा। एक फिल्म में अभी मैंने कुणाल खेमू जी के साथ एक्टिंग की है तो उसमें काम करने का मुझे मौका मिला। इसके अलावा एक और इन कोल्ड ब्लड करके एक वेब सीरीज़ है, वो अभी पाइपलाइन में है, शायद वो कभी आगे आएगी, तो ये काम तो मेरे अभी तैयार हैं। इसके अलावा कुछ और भी पाइपलाइंस में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो भविष्य में आपको पता चलेंगे, और मैं अभी पूरी शिद्दत के साथ रेडियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ और बच्चों को जिस तरीके से मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ तो उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। चलिए सर, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा हमेशा ये संदेश रहता है कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है, पूरी शिद्दत के साथ जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपको 100% देना है, 99% नहीं चलेगा, आपको 100% ही देना पड़ेगा। अगर 99.9% भी आपने दिया है तो भी बात नहीं बनेगी, यू हैव टू गिव 100% टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच सर आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। आपने देखा आज हमने आपकी सीधा मिस्टर गैरोला जी से आपकी मुलाकात कराई और उनकी जो सक्सेस है, जो जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो मल्टी टास्क है, यानी कि एक एक शरीर और यानी कि इतने सारे काम, तो आपने सीधा उनके मुखारविंद सुना कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे और इतने सारे काम उन्होंने कैसे संभाले, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ईमानदारी अगर हमारे काम में है तो हमारे को सक्सेस मिलनी 100% अनिवार्य है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी, अपने सहयोगी अमित चौहान के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।